ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने व्रत वाले जीरा आलू की सब्जी बनाई है। खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इस सब्जी को सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, पराठे, किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सब्जी बनी हुई है। मैंने इस सब्जी में बहुत कम मसालों का यूज किया है। आप जो भी मसाले व्रत में खाते हैं वो मसाले आप इसमें यूज कर सकते हैं। आलू भी हमारा एकदम खिला खिला है, बिल्कुल भी ऐसा मेशी सा आलू नहीं हुआ है। देखिए कितना अच्छे से बनी हुई है सब्जी, बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी दिख रही है। ये देखिए, तो चलिए हम जीरे आलू की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ शालिनी, कुक विद शालिनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फलाहारी जीरा आलू बनाएंगे। तो जीरा आलू बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम आलू लिए थे, उसे बॉईल कर छील लिया है। अब हम इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। हम आलू कट करेंगे, इतने हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी हम ऐड कर देंगे। आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं और साथ ही में 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून जितना मैंने मूंगफली का दाना लिया है इसे हम ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। हमारे दाने रोस्ट होएंगे जब तक, मतलब फ्राई होएंगे जब तक, हम आलू को भी कट कर लेते हैं। अब दाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसमें से चटकने की आवाज आ रही है, तो हम इन दानों को निकाल लेते हैं साइड में और सेम पैन में हम 1 टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे। तो सारे दाने हम निकाल लेते हैं। सेम पैन में 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर देते हैं हम इसमें। फिर आप चाहे तो इसे बटर में या फिर ऑयल में भी बना सकते हैं। आप व्रत में जो भी इस्तेमाल करते हैं वो चीज सब इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मेल्ट हो गया है तो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। आप इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं अगर आप व्रत में खाते हैं तो। 2 हरी मिर्च मैंने चॉप करके ले ली है, इसे ऐड कर दूंगी। दोनों को अच्छे से स्टेयर कर देते हैं। साथ ही में मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर ऐड करना ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। इन्हें हम 2 मिनट अच्छे से सॉटे करेंगे, उसके बाद हम आलू ऐड करेंगे। अब टमाटर और हरी मिर्ची अच्छे से सॉटे हो गए हैं, तो हमने जो आलू कट करके रखा है इसे हम ऐड कर देंगे। ये आलू रह गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। बहुत ही अच्छी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। आप आलू की सब्जी को सिंघाड़े के आटे की रोटी, पराठे, पूड़ी, किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ में जो हमने मूंगफली का दाना रोस्ट करके रखा है उसे भी ऐड कर देते हैं। मूंगफली के दाने का क्रंच इसमें बहुत अच्छा आता है और आप मूंगफली के दाने को पीसकर भी डाल सकते हैं। मैंने इसे पीसा नहीं है, साबुत ही ऐड किया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, सेंधा नमक यूज करेंगे व्रत वाला। आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा सेंधा नमक का यूज किया है। इसे मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च को क्रश करके ले लिया है मैंने। फ्रेश काली मिर्च क्रश की है, इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है पाउडर के कंपेयर में। पाउडर का टेस्ट थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि फ्रेश काली मिर्च को क्रश करके ऐड करते हैं। तो अब हम इसे कवर करके 2 मिनट कुक होने देंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं तो हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनी हुई है। मैंने इसमें बहुत कम मसाले का यूज किया है क्योंकि फास्ट के लिए है। आप जो भी मसाले यूज करना चाहे कर सकते हैं इसमें, रेड चिली पाउडर वगैरह सब जो भी आप व्रत में खाते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस मैं ऐड कर दूंगी
और साथ ही में बस इसमें हरा धनिया डालकर हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सब्जी को सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है, अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सारी फलाहारी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी बनकर रेडी हुई है, एक भी आलू चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल खिला खिला आलू है ये देखिए। और मैंने इस सब्जी में बहुत कम मसाले यूज किए हैं, तो भी हमारी सब्जी बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुई है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।